हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सिंथेटिक डिवीज़न की हेल्प से पॉलीनोमियल्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं वो सीखेंगे। मतलब अगर आपको कोई पॉलीनोमियल दे रखी है और उसे अनदर पॉलीनोमियल से डिवाइड करना है तो आप किस तरीके से करते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमें दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि इन क्वेश्चंस में आपको क्या कर रखा है, दो पॉलीनोमियल्स दे रखी हैं और ये पूछ रखा है कि इसमें कोशेंट और रिमाइंडर क्या होगा अगर हम इस पॉलीनोमियल को जो कि आपकी हायर डिग्री की है उसे अगर हम एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करते हैं। क्योंकि एक्स माइनस थ्री की जो पावर है, हायर डिग्री कितनी है स्टूडेंट, वन, और यहाँ पर जो हायर डिग्री वो स्टूडेंट कितनी है, फोर है। हमें पूछा गया है कि अगर इस पॉलीनोमियल को इस पॉलीनोमियल से डिवाइड किया जाए तो कोशेंट और रिमाइंडर क्या होगा। तो हमने स्टूडेंट क्या है कि हम लोअर क्लास में कर चुके हैं कि हम डायरेक्टली उसको डिवाइड करके देखते हैं और वहाँ से हम क्लियरली बता देते हैं कि ये रिमाइंडर कोशेंट इस तरीके से होंगे। वहाँ पे क्या होता है, हम पूरी पॉलीनोमियल को यूज़ करते हुए करते हैं और यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, पॉलीनोमियल्स के सिर्फ कोफिशियंट्स को ही यूज़ करते हुए हम आपको डिवाइड करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप सिंथेटिक डिवीज़न से इस काम को आसानी से कर सकते हो। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम इसको जो इसके कोफिशियंट्स हैं ना सिर्फ उनको देखिएगा। जैसे यहाँ एक्स की पावर फोर है, फिर एक्स की पावर थ्री है, फिर टू है, और यहाँ एक्स है और एक्स की पावर वन है, और यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले हमने थ्री को ले लिया, यहाँ से वो लिया माइनस फाइव को, ये हो गया आपका टेन, ये आपका इलेवन, और ये माइनस का स्टूडेंट आपने लिख लिया माइनस का सेवेंटी वन। मतलब सिर्फ आपने कोफिशियंट्स को लिखना है क्योंकि सिंथेटिक डिवीज़न में हम क्या करते हैं, सिर्फ कोफिशियंट्स का यूज़ करते हैं, पॉलीनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट हमें डिवाइड किससे करना है, एक्स माइनस थ्री से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं थ्री, क्योंकि एक्स माइनस थ्री अगर देखिए इसका डिवाइड करता है इसको। और अगर आपको पता है जो हम छोटी क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम से सीख चुके हैं कि अगर हम ये निकालना होता है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा तो हम किसको पुट करके निकालते थे, इस इक्वेशन के अंदर थ्री को पुट करके निकालते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर x माइनस थ्री से डिवाइड करना है तो थ्री को लिख लेंगे, और यहाँ पे अगर x प्लस थ्री होता तो क्या लिख लेते हैं, माइनस थ्री लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो एंट्री होती है ना आपकी, उसको तो हम एज इट इज़ उतार लेते हैं। तो थ्री है तो मैंने एज इट इज़ थ्री लिख लिया, इस थ्री को इस थ्री से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा नाइन, फिर नाइन में से फाइव, क्योंकि यहाँ पे ऐड करेंगे, पहले से नेगेटिव का साइन है तो कितना बचेगा, फोर। फिर आपने किया फोर को थ्री से मल्टीप्लाई, फोर को करेंगे इसी थ्री से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ट्वेल्व। दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू को स्टूडेंट करेंगे फिर से थ्री से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका सिक्सटी सिक्स। इन दोनों को फिर ऐड करेंगे कितना आएगा, सेवेंटी सेवन, सेवेंटी सेवन को फिर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ से स्टूडेंट आपका, इसको आप लिख सकते हैं टू थर्टी वन, ये आप चेक करके देख सकते हैं, मैंने इसे कर लिया था। और लास्ट में अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना बचता है स्टूडेंट, 160 बचता है। जो लास्ट वाली टर्म है उसको हम बिल्कुल एक साइड करके रख देते हैं, और जो ये आपके कोफिशियंट्स बचे हैं इससे हम क्या लिख के दिखाएंगे, जो आपकी पॉलीनोमियल बचती है अगर आप x माइनस थ्री से डिवाइड करते हो इस पॉलीनोमियल को, तो किस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट। देखिएगा, अभी आपके पास x की पावर फोर जो थी हायर पावर थी, लेकिन अब हम डिवाइड कर चुके हैं तो कहाँ से स्टार्ट होगा, x की पावर थ्री से आप स्टार्ट करेंगे जो पावर है। फिर आप स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, फिर आपके पास फोर है, उसके साथ में आप क्या लिखेंगे, फोर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे प्लस का ट्वेंटी टू एक्स, ये आपने लिख लिया स्टूडेंट। और ये जो आपका 77 बचा, ये कौन सी टर्म बचेगी स्टूडेंट, आपकी कॉन्स्टेंट टर्म बचती है यहाँ से। मतलब अगर आपकी 4 डिग्री की है तो आपके स्टार्ट कहाँ से होते हैं, कोफिशियंट x की पावर 3, ये आपका x का स्क्वायर के साथ होगा, ये आपका x के साथ होगा, और ये क्या बचेगी स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट टर्म। मतलब अगर आप डिवाइड करते इस पोलिनोमियल को जो आपको ये गिवन थी इससे, तो आपका ये क्या बच जाता स्टूडेंट, क्वेश्चन, और रिमाइंडर कितना बचेगा, ये वाली जो वैल्यू होती है किसकी होती है, हमेशा रिमाइंडर की होती है। तो इसे हम एक बार दोबारा से फिर लिख लेते हैं कि आपका यहाँ से क्वेश्चन कितना बचता है स्टूडेंट, 3x की पावर 3, ये आपका क्वेश्चन जो बचा है, प्लस में 4x की पावर 2, प्लस में 22x, और प्लस में स्टूडेंट कितना है आपका 77, ये तो आपका बचता है क्वेश्चन। और स्टूडेंट बात करते हैं हम रिमाइंडर की, रिमाइंडर को मैंने स्मॉल r से अगर लिख लिया, इसे अगर हम स्मॉल q से डिनोट कर लेते तो r की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, 160। इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सोल्व करके दिखाएंगे। इसमें देख लेते हैं आपको किस तरह की वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है x की पावर 5, x की पावर 3, x एंड 5। यहाँ पे आप देखेंगे 4 डिग्री की और जो 2 डिग्री वाली जो टर्म है ना वो आपकी यहाँ पे मिस है, मिसिंग टर्म्स हैं। x की पावर 4 यहाँ पे आपको प्रेजेंट नहीं है, x की पावर 2 नहीं है, और जहाँ पे जो टर्म नहीं होगी उसका कोफिशियंट हम क्या लिख लेंगे, 0। इसे डिवाइड करना है x प्लस 5 से, तो स्टूडेंट इसे भी हम लिख लेते हैं। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी टर्म्स है आप किस तरह से लिखेंगे, देखिएगा x की पावर 5 का कोफिशियंट 1 है, x की पावर 4 का आपको दे नहीं रखा, x की पावर 3 का माइनस 2 है, और x की पावर 2 अगर आपकी टर्म नहीं है तो उसका कोफिशियंट यहाँ 0, और फिर उसके बाद आपका x का 1, और जो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म वो कितनी स्टूडेंट, माइनस का 5। आप इसको एक बार फिर से भी चेक कर सकते हैं, देखिएगा x की पावर 5 का 1 है, फिर आपका x की पावर 4 है नहीं तो उसका 0, फिर x की पावर 3 का माइनस 2, फिर x का 1 और कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का 5।
तो ये मैंने सब इस तरह से आपके कोफिशेंट्स को लिख दिया है स्टूडेंट। अब हमें डिवाइड किससे करना है, x प्लस फाइव से करना है। तो यहाँ वैल्यू क्या डाली जाएगी, माइनस का फाइव डाली जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं एज इट इज़। वैसे ही आपको स्टेप लिखना है, वन एज इट इज़ लिख लेंगे, वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव से। अगर माइनस फाइव से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जीरो में ऐड करेंगे कितना आएगा माइनस फाइव, माइनस फाइव को फिर माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव, यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री को फिर माइनस फाइव से करेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा माइनस का वन वन फाइव, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे कितना आ जाएगा माइनस का वन वन फाइव, फिर इसको वन वन फाइव को किससे करेंगे माइनस के फाइव से, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट फाइव सेवेंटी फाइव। तो ये स्टूडेंट कितना आ जाएगा यहाँ से फाइव सेवेंटी सिक्स आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर फाइव सेवेंटी सिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फाइव से तो कितना आ जाता है माइनस का टू एट एट ज़ीरो, ये मैंने लिख लिया। अब स्टूडेंट अगर हम इसे ऐड करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का टू डबल एट फाइव। तो स्टूडेंट ये जो लास्ट टर्म होती है ना, ये आपकी क्या बचती है, हमेशा रिमाइंडर बचती है। और ये जो बची हुई टर्म है ना जो आपने निकाली है, इससे हम क्या निकालेंगे अपनी पॉलीनोमियल को लिख के दिखाएंगे जो आपकी x प्लस फाइव से डिवाइड करने के बाद बचती है। तो अभी आपने फाइव की पावर फोर से शुरू किया था, सॉरी x की पावर फाइव से शुरू किया था ना, आपकी जो वैल्यू पॉलीनोमियल थी वो x की पावर फाइव से स्टार्ट थी। तो अब आपकी जो पॉलीनोमियल बचेगी वो कितनी बचेगी, फोर डिग्री के साथ बचेगी। उसके बाद थ्री डिग्री की टर्म आएगी तो माइनस फाइव एक्स का क्यूब आ जाएगा। फिर आपके पास स्क्वायर टर्म बचेगी तो ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर आएगा। फिर आपके पास एक्स की टर्म होगी मतलब माइनस वन वन फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स। फिर आपका बचेगा स्टूडेंट कॉन्स्टेंट वैल्यू, और ये स्टूडेंट आपका बचता है रिमाइंडर के इक्वल। तो ये तो हो जाती है आपकी क्वेश्चन, और रिमाइंडर जो आपका बचेगा वो स्टूडेंट कितना आ जाएगा माइनस का टू एट एट फाइव। मतलब इन क्वेश्चंस में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर इस पॉलीनोमियल से हम किसी को डिवाइड करते हैं, या फिर इस नंबर को हम किसी पॉलीनोमियल में पुट करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, या इस पॉलीनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो आपसे ये भी सिर्फ पूछा जा सकता है, तो ये आंसर आप यहाँ से आप रिमाइंडर अपना दे देंगे। तो स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको पॉलीनोमियल से रिलेटेड है, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करते हैं तो काफ़ी काम आपका आसान हो जाता है वहाँ से। ये आपका लोअर क्लास में भी था कि आपको कोई इक्वेशन दी होती थी फोर डिग्री की, और उसमें आपको दो रूट्स दिए होते थे और आपको दो अनदर निकालने होते थे। तो सेम जो आपका फर्स्ट स्टेप होता था वहाँ पे क्या करते थे आप, इन दोनों को आपको पता है ये इसके रूट्स हैं तो इसके फैक्टर होंगे, आप वहाँ से दो इक्वेशंस निकालते थे, जो इक्वेशन आई एक्स माइनस वन आ जाएगी एक्स माइनस सेवन आती थी, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा आपको नहीं करना है, यहाँ सॉल्यूशन आपका डायरेक्टली जिस तरह से आप करेंगे देखेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे इनके कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे, जैसा कि अभी हमने किया था वन माइनस सिक्सटीन एटी सिक्स माइनस का वन सेवेंटी सिक्स और कितना है आपका वन ज़ीरो फाइव, ये आपने लिख लिया। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, वन से इसको डिवाइड करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। तो ये स्टूडेंट कितना बचता है आपका, यहाँ से वन ही बचेगा, वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन को तो भी कितना आएगा वन ही आएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन को फिर वन से करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का फिफ्टीन, यहाँ से कितना बचेगा स्टूडेंट सेवेंटी वन बचेगा। फिर उसके बाद सेवेंटी वन को प्लस के सेवेंटी वन को फिर वन से करेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ से सेवेंटी वन ही बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा माइनस का वन जीरो फाइव, इसे फिर से वन से करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का वन जीरो फाइव, इन दोनों को आप देखते हैं ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना बचा जीरो, क्योंकि ये इसका रूट है, इसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ से जीरो, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे सेवन से फिर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर देंगे, फिर इसे यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये वाली वैल्यू तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, तो यहाँ से तो वन आ गया, वन को फिर से सेवन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से कितना बचा माइनस का एट, माइनस एट को फिर सेवन से किया कितना है माइनस का फिफ्टी सिक्स, अब माइनस फिफ्टी सिक्स इसमें ऐड करेंगे तो कितना बचेगा फिफ्टीन, फिफ्टीन को फिर सेवन से करेंगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा वन जीरो फाइव हो जाएगा, और यहाँ से स्टूडेंट फिर ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सेवन अगर इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, और सेटिस्फाई करता तो रिमाइंडर कितना बचता जीरो। अब ये रिमेनिंग जो बची है, यहाँ से आपने फोर पावर स्टार्ट की थी, फोर पावर का जो कोफिशियंट लिया था एक्स की पावर फोर का, तो ये जो बची थी रिड्यूस हो गई, ये कितनी बची थी स्टूडेंट आपकी थ्री पावर की बची थी। अब जो पावर बची होगी वो कितनी बची होगी स्क्वायर पावर के साथ जो बचेगी, मतलब एक्स स्क्वायर के जो कोफिशियंट्स है वो बचे होंगे एक्स के, और कॉन्स्टेंट टर्म बची होगी। तो अब स्टूडेंट जब हम डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखेंगे जो आपकी बची हुई इक्वेशन है उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयर फोर डिप्रेस्ड इक्वेशन जो आपकी बची हुई इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ से। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आसान हो जाता है थोड़ा सा, वहाँ क्या था आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता था, मल्टीप्लाई करते थे दोनों, क्योंकि x इक्वल्स टू वन को x माइनस वन एक्स माइनस सेवन लेके मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करते थे, और उसमें वेरिएबल्स भी आपके साथ होते थे तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस का फिफ्टीन। तो इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट ना है तो आना नीचे यहाँ पे कोई डाउट, देखिएगा आपका क्या बचा था, क्योंकि फोर पावर थी यहाँ तक थ्री के बच्चे थे, यहाँ तक यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स का तो माइनस एट एक्स, और ये आपकी कॉन्स्टेंट टर्म तो प्लस का फिफ्टीन मैंने लिख दिया। अब इसको अगर हम क्या करते हैं फैक्टराइज कर देते हैं, तो यहाँ से स्टूडेंट आपका क्या बच जाएगा जो बचे हुए दो रूट्स हैं, तो एक्स स्क्वायर
माइनस का 5x, माइनस का 3x, प्लस का 15। अगर इसे आप फैक्टराइज़ करते हैं, ये आपका स्टूडेंट लोअर क्लास का ही काम है, इतना ये टफ आपका है नहीं काम फैक्टराइज़ करना, इसलिए मैंने इसे जल्दी से ही लिख दिया। तो ये आपका स्टूडेंट बच जाएगा x माइनस 3, x माइनस 5, और इनको अगर आप जीरो के इक्वल रखते हैं तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 और 5। तो स्टूडेंट आपके दो रूट्स आपके पास प्रेजेंट थे, 1 और 7। ये देखिएगा आपके पास दो रूट्स थे यहाँ पे, तो आपके दो रूट्स तो ये हो गए, और जो बाकी रूट्स बचे वो कौन से आ जाएंगे, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन कितने हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7। आपके चारों रूट्स अब आपके सामने, ये आपको पहले से दिए हुए थे, ये दोनों आपने निकाले, तो ये आपके स्टूडेंट क्या बच जाते हैं यहाँ से, जो आपके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ये चारों आपके इसके रूट्स हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे क्या काम आसान हो जाता है, क्योंकि आपको वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करना होता, कोफिशिएंट्स का यूज़ करते हुए निकालना होता है। तो यहाँ से आप अपनी इक्वेशंस का अगर पॉलीनोमियल को डिवाइड करके पॉलीनोमियल्स में आपको अगर रिमाइंडर बताना है तो आप वो काम भी कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन निकालना है या रूट्स फाइंड करने हैं रिमेनिंग, तो आप वो काम भी यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी आसान था ये सिंथेटिक डिवीज़न। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियोज़ में भी हम इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।